वाड़ी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है। और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। एंड लुक एट द जेस्चरिंग, लुक एट व्हाट यू आर सेइंग। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया, संविधान की ध्वजा उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं, कटोलिए। आपने चुन चुन कर क्या बात की है, रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को, इज्जत करता हूँ खड़गे जी की, 100% करता हूँ, मेरी जीवो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूँ, लिखित में कहता हूँ, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी भेजना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा, ना सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट 10-10 मिनट बात करता है। मेरा मेरा नाम लेकर बार बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम, अरे मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब, आप अगर किसान है तो मैं किसान के, किसान मजदूर का बेटा हूँ। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा, मैं इतना कष्ट सहना, आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूँ। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा
मैं बताना चाहता हूँ सतीश को। देखिए मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए इनकार कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। बोलिए और अरे ये क्या है, आप अगर आप ये करना चाहते हैं इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने मैं कहूंगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं, मैं तो बताओ उनको बताओ मेरी बात बोलता हूँ क्यों क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा देश के आपको उनकी तारीफ लोगों के चर्चा करने के लिए उनकी तारीफ आपको पसंद है हम लोगों के समस्या को सुनते करके बात की है।